गुरु जी नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते। कैसे हैं मैडम आप? हम बहुत बाबू अच्छा है। नारा। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए मैडम जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपको कौन हेल्प करे? देखिए मैडम, आपके सवाल बहुत ही उत्तम हैं। हमको हेल्प अभी जो कर रहे हैं बता दे रहा हूँ, हमारे गुरुदेव हैं मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी। वो हमारे पूरे परिवार का परवरिश ले रहे हैं, अभी हेल्प वो कर रहे हैं। मैं रिटायर हो गया 2014 में, NMDC में काम किया, मैनेजर था, मैनेजर ही होके रिटायर हो गया। वहाँ के लोग हमको कभी प्रमोशन नहीं दिए और रिटायर हो गए। लेकिन हम अपनी एक बेटी थी जिसे वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते थे टेनिस में। हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी? एकलव्य टेनिस आश्रम में। दिखाइए टेनिस कोर्ट है ये, चारों तरफ देखिए, ये 6 एकड़ का ज़मीन है और ये टेनिस कोर्ट है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इस टेनिस कोर्ट को मैंने बनाया था कि हम अपनी बेटी को यहीं ट्रेनिंग देंगे और वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस चैम्पियन बनाएंगे। तो ये मेरे विचार थे, अब हम पर फोकस करेंगे। तो पहले आदमी अभी जो मुझे हेल्प कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर सत्यनारायण सर, और उनके पहले मैं बोला मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी। अभी ये दोनों हमारे लिए भगवान के रूप में, वो श्री कृष्णा है, गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी सर, जो मेरे माता पिता की तरह हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वो, तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें तुम्हें सर देव देव। तो हमारे देवता है भगवान है श्री कृष्ण है, और वो गुरुदेव है, हमें हेल्प कर रहे हैं। अभी अभी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक महान व्यक्ति आ गया, उनका नाम है सत्यनारायण, भगवान की जय हो। डॉक्टर सत्यनारायण बीबी नगर के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनको भी कृपा आ गया, मुझ पर दया आ गया, करुणा में हो गए, और वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो आप समझ गए, समझे आप? अभी मुझे दो व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं जिससे मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि हमारी बेटी टेनिस चैंपियन बन ही नहीं सकी। घुटने उठने तोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ लिए, इसीलिए कुछ बने नहीं। तो अभी वर्तमान काल में हमें हेल्प करने वाले हमारे दो महान व्यक्ति हैं, दोनों भगवान हैं। श्री कृष्ण हैं मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी सर, और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यनारायण भगवान। ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। कट कर दीजिए।